दे देता है तो अच्छा लगता है, नहीं देता है तो क्या करें, जो नसीब में रहता है। जो सड़क पे या फिर रेड लाइट पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं उन्हें तो हम दे देते हैं, परंतु ये जो अपनी मेहनत करके पसीना बहाकर हमें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं, इन्हें हम क्यों सपोर्ट नहीं कर पाते, ये एक सोचने का विषय है। साथियों, मैं अभी रोड से गुजर रहा था और अभी मैंने देखा कि ये जो बच्ची है बहुत ही सुंदर तरीके से जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, और बहुत छोटी उम्र है इसकी, और छोटी उम्र के साथ साथ इतना जो प्रतिभावन है, इतनी प्रतिभाशाली है ये बच्ची। और आप देख सकते हैं कि लोटा जो है वो रख कर और हाथ में डंडा है, और फिर भी एक महीन सी रस्सी के बल बलू भरोसे जो है ये चल रही है और अपनी जो कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। बात करें लोगों की तो लोग जो हैं यहाँ से गुजरते हैं, परंतु इस प्रतिभाशाली बच्ची के लिए कुछ नहीं देते, कुछ उपहार नहीं देते। सालों से यह जो परंपरा है चलती आ रही है, परंतु इस परंपरा को सहयोग करने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नन्हे नन्हे पैरों से ये जो बच्ची है ये चल रही है, गिरने का भी काफ़ी खतरा बना रहता है, परंतु फिर भी ये टस से मस नहीं होती। हम एक सर्कस में जाने के लिए 50 से 100 रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु जब हम रोड किनारे ऐसी प्रतिभाशाली बच्चियों को या ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल क्या है कि एक रस्सी है और रस्सी के सहारे जो है दो पाइप इधर लगे हुए हैं, दो पाइप उधर लगे हुए हैं, और खुद ही मेहनत करके ये जो महिला है ये इन्हें लगाती है और जोड़ती है। और लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आते जाते देखते तो हैं, परंतु कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा है। फिलहाल हाथ में जो है डंडा है और सर पर लोटा है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है लोटा, और उछल उछल कर अपनी कला का यहाँ पर यह जो लड़की है प्रदर्शन कर रही है। बात करेंगे और जानेंगे कि कितने सालों से यह जो लड़की है अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, कहाँ से आई हैं ये, और अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। मेरा वीडियो बनाने का जो सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को मौका दिया जाए और उनकी जो प्रतिभा है उन्हें तराशने का जो काम है वो किया जाए, ताकि ये जो आगे जाकर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ने की उम्र है, परंतु पेट की जो आग है वो ऐसी है कि सोने नहीं देती, कुछ ना कुछ जो कार्य है वो करना पड़ता है। इनकी मम्मी है, पता नहीं रिलेशन में क्या लगती है, इनसे जानेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लोकवी। कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, अच्छा। कब से जो है आप इस कला का प्रदर्शन करती रहती हैं? बचपन से। हमारी माँ दिखाई, उसकी माँ दिखाई, उसकी माँ दिखाई, उसकी माँ दिखाई है, जैसे जैसे दिखाते दिखाते। अच्छा, लोगों की बात करें तो कितना सहयोग मिलता है लोगों से? अब जो दे देते हैं क्या, फिर भी दिन में कितना? 1000-1500 दिन में कमा लेते हैं क्या? घर में कितने लोग हैं? घर में तो पूरा फैमिली है। कितने लोग हैं फिर भी? कमी से कम नहीं तो 14-15 जने। 14-15 जने हैं, तो 1000-1500 की बात करें तो खाने वाले भी बहुत हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलता होगा? उसी में चलता है, इसी में चलता है। तो कहाँ कहाँ जो है आप ये जो कलाकारी है इसका प्रदर्शन करती हैं? पूरा सिटी अंदर। अच्छा, इस बच्ची की बात करें तो ये बच्ची कितने साल की है? 8 साल की है। 8 साल की है, तो कब से कर रही है ये? अभी 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ है, मतलब 5 साल की इस बच्ची ने इस रस्सी पर चलना सीख लिया था। तो किसने सिखाया था? हमें सिखाया था। आपने सिखाया था? तो और कौन कौन करता है फैमिली में? फैमिली में और है, दो ग्रुप के और हैं, जैसे हमारी सास है वो दिखाती है,
एक और सास है वो दिखाती है। तो लोगों का कितना सहयोग मिलता है? सहयोग का मतलब लोगों का कितना सहयोग मिलता है? लोगों का सहयोग जो मिलता हुई मिलता है। अच्छा, तो फिर जो ऐसी प्रतिभा आप दिखाते हो तो क्या कुछ जो लोग हैं पैसे देते हैं या कुछ खाना भी देते हैं? कुछ खाना भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा, तो लोग सर्कस में तो जाना पसंद करते हैं टिकट देखकर, पर पर यहाँ पर जब आप फ्री में दिखा रहे हो तो उसे नहीं देखते। तो कितना बुरा लगता है आपको? जो दे देता है तो अच्छा लगता है, नहीं देता है तो क्या करें, जो नसीब में रहता हो। तो आप अकेली हो, साथ में कोई नहीं है, तो ये जो पाइप है ये किसने गाड़े हैं? हमने गाड़े हैं। आपने? तो ये काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी गाड़ने में। फिर यहाँ से उखाड़ कर फिर कहाँ अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते हो आप? जब दिक्कत लगता है तो एक ही जगह दिखा लेते हैं, जब पैसा नहीं मिलता है तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अच्छा, जब मिलने लगता है तो एक ही जगह लगाते हैं। अच्छा, तो फिर आपने इसकी कोई और काम करने की नहीं सोची, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये काम करते आ रहे हो? हाँ, ये करते आ रहे। तो कोई और काम क्यों नहीं? और काम कोई हमको पोसाई नहीं पड़ता उसमें, इसमें पोसाई पड़ जाता है। अच्छा, कोई और काम आता ही नहीं है? और काम कोई आता। तो रहते कहाँ हो यहाँ फिर? स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन। हाँ, अच्छा अच्छा। नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते, अभी अभी आए हैं। अच्छा, अभी अभी आए। कहाँ? छत्तीसगढ़ से आए हो? हाँ, छत्तीसगढ़ से आए। अच्छा, तो किस तरह की समस्या वहाँ पर आती है जब आप यहाँ से घर जाते हो? अभी अभी तो आए हैं घर से, तो 3-4 महीना घूम लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपने घर। जी, तो ये जो अभी बर्तन रखे हैं, ये जो सामने बर्तन रखे हैं, तो ये इसमें इससे भी कोई प्रदर्शन होता है लड़की का? अच्छा, करके दिखाइए एक बार, दीजिए एक बार। ये जो रिंग रखी है, हम भी, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वाला देख, ये वाला। कोई भी दे दीजिए, पहले ये दे दीजिए, ये दूसरा वाला, दूसरा वाला। हाँ, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कितनी कड़ी मेहनत करती हैं ये जो लड़की है, और ये जो समुदाय है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ये जो काम है चलता आ रहा है, फिर भी जो लोग हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है ये तो सोचने वाली बात होगी, क्योंकि हम पैसे देके सर्कस में तो जाते हैं, परंतु ऐसे जो लोग हैं उन्हें हम सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये एक जो सवाल है ये मेरा जनता से है। क्योंकि हम रोड किनारे देखते हैं, जो सड़क पे या फिर रेड लाइट पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं उन्हें तो हम दे देते हैं, परंतु ये जो अपनी मेहनत करके पसीना बहाकर हमें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं, इन्हें हम क्यों सपोर्ट नहीं कर पाते, ये एक सोचने का विषय है। देखो कितने सुंदर तरीके से जो बच्ची है एक रिंग के सहारे, या यूँ कहें कि साइकिल का जो रिम होता है उसके सहारे रस्सी पर चल रही है, और बैलेंस देखिए साहब, बिल्कुल सटीक तरीके से पतली सी रस्सी पर चल रही है, और रस्सी भी ऐसी नहीं है, लचक खा रही है, और बैलेंस कितना सुंदर बना हुआ है ये देखते ही बनता है। ऐसे काफ़ी चक्कर दिन में लगाती होगी, काफ़ी थक भी जाती होगी, फिर भी कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर बहुत कड़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ती है इन लोगों को। देखिए एक राउंड यहाँ पर पूरा हो चुका है, और गिरने का भी खतरा बना रहता है। इनसे जानेंगे कि कितनी बार जो है हाथ से, अच्छा हाथ से भी यहाँ पर होते होंगे इस बच्ची के काफी, जब सिखाए होगा तो कितनी बार गिरी हुए? इतना ऊंचाई रहता है रस्सी, ज्यादा इतना ऊंचाई में तो गिर ही जाएगी, जैसे इतना ऊंचाई रहता है उसमें सिखाया जाता है। अच्छा, सिखाया जाता है तो गिरी भी होगी? हाँ, गिरी भी है, तो पास पास पे रहते हैं, पकड़ लेते हैं हम। अच्छा, पकड़ लेते हैं तो चोट भी लगती है अगर इतनी ऊंची पर, एक दो बार तो ऊंची पर भी गिरी होगी? अभी तो हमको भी चोट नहीं लगी, इसको भी चोट नहीं लगी है, अब आगे जाके मालूम नहीं। अच्छा, पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप आसपास ही रहते हैं? आसपास रहते हैं, उसके पास ही पास पे रहते हैं जी। तो अभी इन्होंने बताया कि चोट भी लगने की आशंका रहती है फिलहाल, तो ये अपने काम में इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि गिरे नहीं हैं, परंतु आगे की कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया, अब रिंग के माध्यम से आपने कला का प्रदर्शन देखा, अब सलूट मारते हुए ये बच्ची
हौसला अफजाई के लिए ये लोगों से अपील कर रही है कि हमें भी कुछ जो है अपने घर का राशन पानी लेने के लिए कुछ पैसे हमें भी दें, ताकि हम अपने ऐसे ही कला का प्रदर्शन करते रहें और जो लोग हैं वो भी सपोर्ट में आने चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो समुदाय है वो हम लोगों के लिए, हम लोगों पर निर्भर रहता है कि हम कुछ डोनेट करें, कुछ सहायता करें ताकि इनका घर भी चल सके। अच्छा, अब ये तो हो गया रिंग की बात, अब दूसरा जो है वो थाली रखी है, उससे कैसे जो है कला का प्रदर्शन होगा, आप एक बार करके दिखा बताइए। ये जो थाली है ये ले आई हैं और बच्ची को देने वाली हैं, इसके माध्यम से भी ये जो बच्ची है अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि ये भारत देश में ऐसी भी कला है जो तराशी नहीं जा रही है, जिसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं एक थाली के माध्यम से आगे बढ़ते हुए। अगर यही कला हम टिकट लेके हम देखते हैं तो हम बड़े शौक से चले जाते हैं किसी भी सर्कस में या किसी भी अन्य ऐसी जगहों पे, परंतु ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसी समुदाय को हम सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इस तरह के समुदाय को सपोर्ट करते रहें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। आप देख रहे थे पहचान फरीदाबाद, मैं था आपके साथ सुशांत, नमस्कार।